आज हमने परमिशन नहीं ली, जम्मू तो मिल गई जनाब, तमाम बकरवाह चले गए, यहाँ पे दे दिया परमिशन हर एक को गाड़ी थी। इन लोगों का एक मसला है कि इनको चंदीमढ़ एक मिनट चंदीमढ़ तक अगर इन लोगों को परमिशन दी वहाँ के लोग पूंछ वाला नहीं छोड़ते ना, डेरा गली तक हम छोड़ सकते हैं। बिजली गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है, जो यहाँ से खानाबदोश लोग जो है कश्मीर की तरफ जा रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे हुआ, कितने रिलीफ मिली है? बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि रात की लगभग 12:30 बजे जो यहाँ पे लाइटिंग हुई और उसमें लगभग 150 जो यहाँ पे लाइफ स्टॉक था वो जो है बिल्कुल मर गया। बड़ा ही अफसोस हो रहा है, ये गरीब लोगों के साथ रात को जो हुआ यहाँ पे। इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात है कि कोई भी जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। मैंने मौके पे आके यहाँ पे जो है असेस किया है, मौके पे देखा 156 के लगभग जो है लाइफ स्टॉक जो है मर चुका है इस रात की जो ये लाइटनिंग हुई है। मेरे से पहले यहाँ पे जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने पूरा यहाँ पे असेस किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे और इसके साथ साथ इनकी जो डायरेक्शंस दी गई है, इनके जो केसेस बना के कंपनसेशन जो है एज पर SDRF के जो नॉर्म्स है उसके साथ जितना कंपनसेशन को बनेगा वो बिल्कुल इनको कंपनसेशन पे किया जाएगा और इमीडिएट रिलीफ के लिए रेड क्रॉस से जो है 50,000 रुपये पर फैमिली जो है अनाउंस किया गया है, वो आज ही इनको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इन फैमिलीज के लिए यहाँ से जो है ये कश्मीर की तरफ जो है रवाना हो रहे थे लेकिन ये अभी कश्मीर जा रहे हैं, तो यहाँ से कम यहाँ बीजी डेरा गली तक जो हम अपनी यहाँ से अपनी गाड़ी अरेंज करवा के इनको दे रहे हैं। इसके साथ साथ इनका जो एज ए स्पेशल केस जो है वो हायर अथॉरिटीज को रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि जो SDRF की गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत ही कम कंपनसेशन बनता है। तो इसके साथ साथ शीप डिपार्टमेंट को भी जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शीप यूनिट्स जो इन फैमिलीज के लिए जो है वो एज पर गाइडलाइंस जो होंगी वो भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। जब तक ये लोग कश्मीर से वापस आ जाते हैं तब तक यहाँ इनका जो है शीप के यूनिट एस्टेब्लिश करने की हम कोशिश करेंगे। सर फिलहाल कितना रेड क्रॉस की तरफ से कितना कितना इनको दिया जा रहा है? 50,000 पर फैमिली के हिसाब से जो इनको दिया जा रहा है, 5 फैमिली जो है वो इसमें अफेक्टेड है, उनको 50,000 दिया जाएगा।